आप सभी को पीसी शर्मा का नमस्कार और info.com न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। आज पटना के गांधी मैदान स्थित IMA हॉल में विश्वकर्मा चेतना मंच बिहार के तत्वाधान में विश्वकर्मा संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से बढ़ई और लोहार समाज की राजनीतिक उपेक्षा पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता श्री सत्यानंद शर्मा थे और उद्घाटनकर्ता सांसद श्री चिराग पासवान थे। आइए विश्वकर्मा चेतना मंच के अध्यक्ष श्री विनय मिस्त्री से जानते हैं कार्यक्रम के उद्देश्य और उनकी मांगे और सांसद चिराग पासवान की प्रतिक्रिया। हमारे साथ विश्वकर्मा चेतना मंच के अध्यक्ष श्री विनय मिस्त्री जी हैं, जो कि पेशे से एक अधिवक्ता भी हैं। आज इन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसका नाम है विश्वकर्मा संकल्प सम्मेलन। हम इनसे जानते हैं कि विश्वकर्मा संकल्प सम्मेलन की क्या खास बात है। जी देखिए, विश्वकर्मा संकल्प सम्मेलन के माध्यम से हम बिहार में यह संदेश देना चाहते हैं और हमारा प्रमुख मांग है सभी राजनीतिक दलों से कि बिहार के जो कारपेंटर आज एकदम सत्ता से कोसों दूर है, हाशिए पर है, तो जनसंख्या के आधार पर बिहार के कारपेंटर को लोकसभा और विधानसभा में भी भागीदारी मिलनी चाहिए। और दूसरी बातें हैं कि बिहार के अधिकतर जो हमारा अधिक संख्या में लोग लकड़ी का काम करते हैं और लकड़ी का जो काम है उनके काम के का बिल्कुल वह बंद हो गया है, उसमें संजीवनी की आवश्यकता है। राज्य सरकार कारपेंटर द्वारा बनाए गए फर्नीचर के सामानों को एकदम परचेज नहीं कर रही है, इसलिए राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि बिहार परचेज प्रिफरेंस पॉलिसी 2002 में जो बनी थी उसके तहत राज्य सरकार कारपेंटर के सामान को उचित मूल पर खरीदे, जैसे आप बुनकरों का सामान उचित मूल पर खरीदते हैं। तीसरी बात क्या है कि 3218 मिलों का जो स्टेट लेवल कमेटी का जो डिसीजन आया 2020 में उसको राज्य सरकार लागू नहीं कर रही है और वह रिपोर्ट मात्र 5 ईयर्स के लिए है और 5 साल के बाद 3 साल बीत गया, 2 साल के बाद वह रिपोर्ट एब्सोल्युटली इनफ्रक्चुअस हो जाएगा। तो हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि 3218 मशीन को जो परमिशन दिया गया स्टेट लेवल कमेटी के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आधार पर उसको अविलंब लागू किया जाए। जी, आपके कार्यक्रम के उद्घाटन करता श्री चिराग पासवान जी हैं और आपने भी कहा कि राजनीतिक भागीदारी, आपके समाज की राजनीतिक भागीदारी जो है वो शून्य है, तो आप चिराग पासवान से क्या रिक्वेस्ट करेंगे, क्या कहेंगे? चिराग पासवान जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे, और मैंने उनसे जब मिलने के लिए गया था तो मैंने भी अनुरोध किया था कि चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट ने भी कहा कि वैसे EBC के कास्ट जो स्टील मार्जिन इन द सोसाइटी, उनको सत्ता में आज तक भागीदारी नहीं मिली, इसलिए वैसे कास्ट जो सत्ता से अभी हाशिए पर है, उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नील है, तो उनको सत्ता में भागीदारी मिलना चाहिए। और इसीलिए मैंने यह कार्यक्रम किया है कि चिराग पासवान से यह मांग हम लोग को प्रमुखता से हम लोग रखेंगे और ऐसा लगता है कि होप एंड एक्सपेक्टेड दैट वो जरूर विचार करेंगे। धन्यवाद। ओके। और इस समाज का जो लोग बड़े पदों पर प्रतिनिधित्व कर भी चुके हैं उनको भी धीरे 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 समय के साथ कैसे भुला दिया गया, ये अपने में दर्शाता है, ये अपने में दर्शाता है कि समाज के साथ अन्याय हुआ। जो उचित सम्मान के हकदार आप लोग रहे, भाई हम लोग 80 के दशक की बात कर रहे हैं जब ज्ञानी जैल सिंह जी देश के राष्ट्रपति रहे, और 80 का वो दशक कोई सामान्य दशक नहीं था। इमरजेंसी के दौर से सरकारें निकली थी, एक ऐसी सरकार बनी थी जिसमें लोगों को लेकर अभी भी एक अविश्वास का माहौल था। ऐसे समय में ज्ञानी जैल सिंह जी ने जिस तरीके से देश के सर्वोच्च पद पर बैठे मां महीम के रूप में उन्होंने देश को संभालने का काम किया, ये कोई मामूली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। पर क्या हुआ उसके बाद, क्या वो जिस सम्मान के हकदार थे क्या उनको वो सम्मान दिया गया? धीरे धीरे उनके योगदान भुलाने का काम किया गया। उन्हीं में ही ये क्षमता थी कि जिस वक्त दंगे छिड़े थे देश भर में इंदिरा जी के निधन के बाद की मैं बात कर, उन्हीं में ही ये क्षमता थी कि उन्होंने जिस तरीके से देश को संभालने का उन्होंने काम किया, और ये काम ये समाज का हर आदमी हर व्यक्ति निरंतरता में करता है।
और इसको कोई इस योगदान को कोई झुठला नहीं सकता, इस योगदान को कोई नहीं झुठला सकता। पर अब इसको आप लोगों की अच्छाई बोलने या दूसरों की कमजोरी बोलने, आज भी इस समाज के इतने बड़े योगदान के बावजूद, और जब मैं योगदान की बात कर रहा हूं, मैं हर तरीके की योगदान की बात कर रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि किसी भी घर या किसी भी कमरे की खूबसूरती को बिना आप लोगों के योगदान के पूरा किया जा सकता। तो जब इतनी छोटी छोटी चीजों तक में आप सबका योगदान, देश को गति देने में आप सबका योगदान, विश्वकर्मा की पूजा कर हम लोग निकलते हैं, जब किसी को विश्वास दिलाना होता है तो विश्वकर्मा पे हाथ रखते हम लोग उनको विश्वास दिलाने का काम करते हैं। ऐसे जरूरी है कि आप लोगों का भी उचित प्रतिनिधित्व अपने हक अपने अधिकारों के साथ देश की सत्ता, बिहार की सत्ता में हो, और उसके लिए इस लड़ाई को कोई और नहीं लड़ने वाला। आज इस मंच के माध्यम से ये आग्रह आप सबसे करने आ रहा है कि इस लड़ाई को हम सबको मिलकर लड़ना।